और आपको बताती हूँ कैसे क्या हो गया, क्या ट्राई किया था मैंने यूट्यूब से देखकर, और मुझसे किचन बिल्कुल भी नहीं संभलता गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ घर पे बनाए थे ये वाले दो, घर पे केशु ने बनाए थे और ये हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, जो हमने सिर्फ एक एक दिन ही खाए हैं, और ये तो फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया और अब ये सारे ख़राब हो चुके। तो गाइस फाइनली घी निकल चुका है 2 घंटे की मेहनत के। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति शर्मास ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी हो चुका है चाय का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मैंने बनाने का ट्राई किया था, ये मलाई से बटर बनाने का ट्राई किया था, पर देखिए आप ये क्या हो गया और इसमें तो कुछ निकल भी नहीं रहा, ये पता नहीं क्या से क्या हो गया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं एक लास्ट ट्रायल लेते हैं, इसके लिए मैंने फ्रिज में ये पानी रखा है, ठंडा पानी। वैसे मैंने थोड़ा इसमें ठंडा पानी रखा था ग्लास में, वो डाला पर पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा ये। तो लेट्स सी एक बार वो लास्ट ट्राई करते हैं, पर निकलना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें आधा घंटा से मैं इसको राउंड 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 घुमा रही थी काफ़ी देर से, जैसे कि यूट्यूब में बताया था एक मैम ने बताया था, मेरे को उनका नाम नहीं पता, तो उन्होंने बताया था कि इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और उसमें फिर ठंडा पानी डालना है या बर्फ़ डालना है। तो मेरे पास इस ग्लास में था, आप देख सकते हैं कि ग्लास भी गंदा कर दिया मैंने, इस ग्लास में ठंडा पानी था, वो पूरा पानी डाला। तो गाइज मेरे हस्बैंड केशु और ये अभी है ना एक बार खुद बोल रहे हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, तो उससे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा पानी डालेगा क्योंकि बहुत गाढ़ा है पानी, लगी रहता है पानी, मैंने बहुत सारा एक ग्लास पानी डाल दिया और उन्होंने तो ये इतना बताया भी नहीं था, पर निकल नहीं रहा था तो मैंने बार बार पानी पानी डाला। गाइस पानी डालिए इसमें, तो नहीं निकल रही। गाइज हमारी फैमिली में हम 2 लोग हैं और कोई अभी बड़ा है नहीं, तो अभी मैं दोबारा से एक बार वापस से ट्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चाय छड़ा दी है, अभी चाय पक रही है और चाय पीने के बाद मैं बनाऊँगी ये। गाइज ये मलाई होती है, ये मलाई है गाय के दूध में जो निकलती है, इसका बटर बनेगा अभी, तो अभी मुझे नहीं आता है तो मैं यूट्यूब से देखूंगी कि इसका प्रोसेस क्या होता है। और आप देख सकते हैं ये दूध है, तो दूध में ऐसी मलाई होती है येलो कलर की, क्योंकि ये गाय का दूध है और शायद भैंस के दूध में वाइट कलर की मलाई निकलती है। तो आप लोगों से बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मुझे लगा आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं आप लोगों से बात कर लूँ। तो गाइज अभी हम लोग चाय लेकर चलते हैं ऊपर छत के ऊपर और फिर हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इससे घी कितना निकलता है और मैं यूट्यूब से हेल्प लूँगी, यूट्यूब में मुझे जो सबसे सिंपल प्रोसेस मिलेगा मैं उस प्रोसेस को यूज़ करके इससे मिल्क सॉरी इससे बटर बनाऊँगी और मैं आपको भी बताऊँगी कि इससे घी कैसे बनेगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केशु कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। तो गाइज हम लोग चाय लेकर छत पे आ चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए, चाय बहुत ही टेस्टी बनी है और अभी हमारा गपशप करने का टाइम होता है तो सोचा आप लोगों से भी बात की जाए। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, और मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ कि आज हमारे पड़ोस में किसी के घर पर छत डली है तो उन्होंने आज लड्डू खिलाए थे। गाइस छत पे आके चाय पीने का अपना एक अलग मज़ा होता है और बहुत अच्छा लगता है छत पे आके, तो हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम छत पे आके ही चाय पीते हैं और बहुत अच्छा सनसेट लगता है, यहाँ से खुली फ्रेश हवा मिलती है, ताज़ा हवा मिलती है और इसी बहाने मेरा आप लोगों से बात भी हो जाती है, वैसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है बात करने का। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि और हमें किस टॉपिक पे ब्लॉग्स बनाने चाहिए, तो हम वो टॉपिक पे ब्लॉग बनाएंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के सामने, और एक जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे घर के पीछे साइड में एक छत डली है तो आज उन्होंने लड्डू खिलाए, तो अभी पीछे जाके मैं आपको उनकी छत दिखाती हूँ। गाइस बहुत खुशी होती है जब किसी का घर बनता है, देखिए आप लोगों को मैं जूम करके दिखाती हूँ, तो आपको बिल्कुल फ्रेश सीमेंट दिख रही होगी गीली गीली, ये मैंने जूम कर दिया है।
तो गाइस मैं और केशु अभी छत पे हैं, चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे मिलेंगे आपसे और बनाएंगे यूट्यूब से देखकर घी निकालेंगे, देखते हैं घी बनता भी है या नहीं बनता, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम घी बनाया था तो घी बना ही नहीं था बिल्कुल भी और झाग ही झाग बन गए थे। फिर सेकेंड टाइम हमने जहाँ से दूध लाते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ठंडा पानी मिक्स करो, थोड़ी बर्फ़ मिलाओ, तो थोड़ा निकला। अब लेट्स सी, अब थर्ड टाइम देखते हैं कुछ निकलता है नहीं निकलता है, पर यूट्यूब से मैं देखूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी फाइनली कि उसमें कितना घी निकलता है। और फिर नाइट में रोटी में मैं वही घी यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि खाने में उसका टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो गाइज़ अभी हम लोग छत पे से चाय पी के नीचे आ चुके हैं और आपको बताती हूँ क्या से क्या हो गया, क्या ट्राई किया था मैंने यूट्यूब से देखकर और मुझसे किचन बिल्कुल भी नहीं संभलता गाइज़, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत बड़ा कांड हो चुका है अभी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये मैंने बनाने का ट्राई किया था, ये मलाई से बटर बनाने का ट्राई किया था, पर देखिए आप ये क्या हो गया और इसमें तो कुछ निकल भी नहीं रहा, ये पता नहीं क्या से क्या हो गया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं लास्ट ट्रायल लेते हैं, इसके लिए मैंने फ्रिज में ये पानी रखा है, ठंडा पानी, वैसे मैंने थोड़ा इसमें ठंडा पानी रखा था ग्लास में वो डाला, पर पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा ये, तो लेट्स सी एक बार वो लास्ट ट्राई करते हैं, पर निकलना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें आधा घंटा से मैं इसको राउंड 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 घुमा रही थी काफ़ी देर से, जैसे कि यूट्यूब में बताया था एक मैम ने बताया था, मेरे को उनका नाम नहीं पता, तो उन्होंने बताया था कि इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और उसमें फिर ठंडा पानी डालना है या बर्फ़ डालना है। तो मेरे पास इस ग्लास में था, आप देख सकते हैं कि ग्लास भी गंदा कर दिया मैंने, इस ग्लास में ठंडा पानी था वो पूरा पानी डाला। तो गाइज मेरे हस्बैंड केशु और ये अभी है ना एक बार खुद बोल रहे हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, तो उससे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा पानी डालेगा क्योंकि बहुत गाढ़ा है, पानी लगी है इसमें। पानी मैंने बहुत सारा, एक ग्लास पानी डाल दिया और उन्होंने तो ये इतना बताया भी नहीं था, पर निकल नहीं रहा था तो मैंने बार बार पानी पानी डाला। गाइस पानी डाली इसमें तो नहीं निकले रही। गाइज हमारी फैमिली में हम दो लोग हैं और कोई अभी बड़ा है नहीं, तो अभी मैं दोबारा से एक बार वापस से ट्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है ठंडा। तो गाइज केशु बोल रहे हैं कि फ्रिज में से ठंडा पानी डालो, तो मैं ना देखिए अभी ठंडा पानी डाल रही हूँ, तो लेट्स सी निकलता है क्या, उन्होंने बोला था कि फिर निकल जाएगा, नहीं इतना नहीं डालना, इतना नहीं डालना, मैंने उसको खूब घुमा लिया। डालो पानी डालो। तो गाइज हम लोग किचन में, दोनों ही हस्बैंड वाइफ थोड़े कच्चे हैं और हमें किचन का काम, ये जो परंपरागत काम आता है वो कम आता है और ये तो हमसे यूट्यूब से देखने के बाद भी नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है कि ये पूरी मलाई, मेरे को लग रहा है कहीं मुझे फेंकनी नहीं पड़ जाए। देखिए अब हमारे घर का किचन देखिए और नीचे भी आप देख सकते हैं, अभी तो मेरे को लग रहा है ये पूरा किचन गंदा होने वाला है। पानी उड़ा देना। पानी डालो गाइस। ये गाइस मॉर्निंग में हमने उपमा बनाए थे, तो आप देख सकते हैं अभी हम दोनों को बहुत ही भूख लग रही है, तो अभी हम लोग ये दोनों ये उपमा गर्म करके खाने वाले हैं और किचन का हाल तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये देखिए हमारे अचार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार है, ये दो तो घर पे बनाए थे, ये वाले दो घर पे केशु ने बनाए थे और ये हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, जो हमने सिर्फ एक एक दिन ही खाए हैं और ये तो फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया और अब ये सारे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि हम दोनों को पूरा प्रोसेस नहीं पता होता कि कभी तेल कम रह जाता है, कभी क्या कम रह जाता है और फिर इसमें ये पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है कि अभी हम घर पे तो अचार नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी मम्मा भी अचार बना देती है, तो अब मैं मम्मा से अचार बनवाने वाली हूँ, पर हम दोनों अब कुछ नया ट्रायल नहीं लेंगे। गाइज आपको पता है जब भी हम दोनों कुछ भी नया ट्रायल लेते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो अभी हमने सोचा है कि भाई अभी कुछ भी बिना पूछे नहीं करेंगे और कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और केशु को भी मैंने बिल्कुल बोल दिया है कि बिल्कुल भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अभी, और जो कुछ होगा मन तो बाहर से जाके खा लेंगे किसी रेस्टोरेंट से,
क्योंकि घर में हम लोग बनाते भी है, सामान भी खराब होता है और बहुत बुरा लगता है गाइज, अन्य का अपमान नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार ट्रायल लेती हूँ इस मलाई का, देखते हैं फाइनली निकल जाए तो बहुत ही अच्छा, अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में फेंकना ही पड़ेगा। और अभी फिर मैं थोड़ी देर के बाद में 9 बजे के आसपास बनाएंगे डिनर की तैयारी, और तब फिर करते हैं आप लोगों से, फिर बात करते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली घी निकल चुका है 2 घंटे की मेहनत के बाद में, 1 महीने की मलाई से 1/2 कप घी निकला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा घी निकला है 1 महीने की इकट्ठे की हुई मलाई से, और बर्तन इतने सारे हो गए आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए कचरा है, और बर्तन इतने सारे बर्तन हुए थे, अभी तो मैंने बर्तन क्लीन करके उधर अरेंज कर दिए हैं, और बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो आप देखिए सिर दर्द हो गया इस घी निकालने के चक्कर में, और इधर केशु बना रहे हैं सब्जी, और इधर मैं बनाऊंगी रोटी, और ये देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया है।